एट्रोसिटी का है क्या, ये एट्रोसिटी से आपको क्या आपत्ति आएगी एक जो इस तरीके का एक जजमेंट आ गया तो? एट्रोसिटी जो एक्ट है 89 में बना था जनता दल के टाइम में, और ये क्योंकि अब ये जो एट्रोसिटी ख़त्म कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जो एट्रोसिटी ख़त्म करने वाले जज भाजपा का प्रेसिडेंट रहा है अधिवक्ता कैडर का, और वो 2009 में रहा है, और उसने आके भाजपा के इशारे पर यहाँ जो एट्रोसिटी एक्ट का नॉर्मल किया है, डाइल्यूट किया है, तो वो कहते हैं कि भाई एक्ट जो है ये झूठे लगाए जाते हैं, ये जो एक्ट हैं झूठे लगाए जाते हैं। कल वो 376 भी ये कहकर झूठे लगाए जाते हैं, 376 के भी केस झूठे हैं जी। और यही जज जो डोरी महिला का जो केस है डोरी वाला, वो भी डाइल्यूट किया इस आदमी ने, ये जज ने। और हम तो चाहते हैं कि हम सब मिलकर सांसदों को मंत्रियों को मिले और उनसे अनुरोध करें कि आप अपने लेटर पैड पर इसके खिलाफ महा अभियोग लाएं, जिससे कि ऐसे जजों को हम जो गलत तरीके से निर्णय देते हैं इनको हटा सके। और इतना ही नहीं, हटाने की नहीं, और हमारा तो एक भी मांग रहेगी कि जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम हमारे लिए नहीं है, कॉलेजियम इन्होंने अपने बेटों के लिए, भाइयों के लिए, उसके लिए बना रखा है। हम कहते हैं कि जैसे सिविल सर्विस है उसी तरीके से जुडिशरी सर्विस हो और उसमें अधिकार हमें मिले, उसमें से चुन के आए, क्योंकि हम आज इनसे कम नहीं हैं। लेकिन ये जो बात करते हैं क्रीमिलियर की, भाई मानते हैं क्रीमिलियर क्या है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, कि उस समय बाबू जगजीवन राव बहुत पैसे वाले थे और शायद उनके बराबर पैसे वाला हमारे समाज में कोई नहीं था। जब बनारस के अंदर वो संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने गए थे, तो वहाँ के मनुवादी लोगों ने अनावरण करने के बाद गाय के पेशाब और टट्टी से साफ किया, तो बताइए क्रीमिलियर कहाँ रही? क्रीमिलियर का मतलब ये नहीं है, क्रीमिलियर हमें जो आरक्षण, एट्रोसिटी का मामला है। अब हम आते हैं इंजीनियर अशोक जी के पास। अशोक जी, आपको लगता है कि जब 18वीं सदी थी और 19वीं सदी थी, जो अनपढ़ गंवार थे हमारे बुजुर्ग, उन्होंने संविधान पर आँच नहीं आने दी, लेकिन आज पढ़े लिखे लोग इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, और आज जो 1989 के अंदर जो एक्ट बना था, आज इस पर कुठारा घात हो रहा है। कोशिश करेंगे उसमें, अगर मतलब सड़क पे भी आना पड़ेगा तो सड़क पर भी आएंगे, क्योंकि हमारी जो पॉकेट में पेन है वो बाबा साहब की देन है, हम जो कपड़े पहने हुए हैं बाबा साहब की देन है, और बाबा साहब ने ही मतलब संविधान के अनुसार हमें रिजर्वेशन और ये एससी एक्ट लागू कराए थे, बाद में जनता दल ने कराए हैं, लेकिन संविधान तो उनका ही था जी। तो इसमें अगर कोई संघर्ष करने वाली बात होगी तो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, चाहे प्राइवेट हैं, चाहे कोई बिजनेसमैन है, हम सब लोग साथ हैं, स्टार्टिंग है। अब देखिए, अब स्टार्टिंग है। लेकिन सर, इस समय 545-43 के करीब मेंबर ऑफ आपके विधायक हैं, और उसके बाद में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं 79 के करीब, जो बाबा साहब की बात करते हैं, उसमें एक दलित महामहिम राष्ट्रपति भी हैं। क्या जब ये एक्ट पास हुआ, क्या महामहिम की पावर नहीं थी? क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अभी तक इस तरीके कोई क्वेश्चन नहीं करा? देखिए, वो सोए हुए हैं, अभी जो हमारे रिप्रेजेंटेशन जाएंगे, चाहे व्यक्तिगत जाएं चाहे संस्था की तरफ से जाएं, उनको पता लगेगा ना, वो पढ़ेंगे देखेंगे कि भाई ये लोग जागे हुए हैं। हम तो उनको सोए हुए मांगते हैं, जो संसद में बैठे हुए हैं उनके बारे में तो आपको अच्छी तरह जानकारी है ही है, वो कहाँ बोलते हैं, वो तो अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको टिकट ले करके वहाँ बैठना है और उनको पैसा कमाना है और अपने बच्चों को करना है, तो वो कहाँ बोलेंगे, कौन आवाज़ उठाएगा? आप देख लीजिए, अभी तक किसी ने आवाज़ उठाई है? एक वो आई थी अठावले जी की, कह जी हम इसको वो डालेंगे, रिट लगाएंगे, पटिशन लगाएंगे, लेकिन अब जब हम लोगों के रिप्रेजेंटेशन जाएंगे, अठावले जी को तो गृह मंत्री जी जो हमारे राजनाथ जी हैं 2019 के चुनाव में वो कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे और अठावले जी को हम पुनः मंत्री बनाएंगे, तो वो तहीं कहीं ना कहीं तो इस तरीके की बात है ना, ये तालकटोरा स्टेडियम के अंदर बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, और ये मीडिया ने भी दिखाया। नहीं, तालकटोरा स्टेडियम में मैं भी था उस टाइम में, जो पैगाम वाले में उसी की बात है ना, अठावले जी का प्रोग्राम था। लेकिन ये अब बात आ रही है इनकी एमपी इनकी, अब ये कोई एमपी नहीं बोलेगा, और कोई नहीं बोल सकता है, तो कोई बहुजन वाला जिसमें बाबा साहब का नीला खून है वो बोलेगा, अगर अदरवाइज कोई नहीं बोलेगा। ये तो हमें खुद संघर्ष करना है, इनको जगाना है और सारे कागज़ भेजने हैं, और उसके बाद फिर मार्च निकालना, सड़कों पे आ जाओ। अभी हमारे एक भाई कह रहे थे भाई सड़कों पे आना चाहिए, सड़कों पे भी आना पड़ेगा।
और सड़कों पे आने के बाद ही होगा। अब देखो आगे क्या रिजल्ट आता है, स्टार्टिंग है अभी मनोज जी, अभी स्टार्टिंग है, देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आएगा। कहते हैं कि अफसोस नहीं उन गुलों पर जो खिल कर मुरझा गए, अफसोस तो है उन गुलों पर जो बिना खिले ही मुरझा गए। आने वाली जनरेशन आपसे क्या पूछेगी कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमसे अगली पीढ़ी के लोग थे, उन्होंने संविधान को आँच नहीं आने दिया। आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और विधायक भी हैं, उनके होते हुए आज इस तरीके के, एक तरफ कहा जाता है संविधान नहीं बदला जा रहा है, संविधान बदलने के लिए ऐसा तो नहीं है किताब यहाँ से उठा के वहाँ रख दें, लेकिन इतना जरूर है जो उसके अंदर एक्ट हैं उनके अंदर जो बदलाव लाए जा रहे हैं वो इसी तरीके से संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। आइए और जानकारी लेते हैं।